नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरे मैं माउंट आबू हम लोग आए हुए थे तो यहाँ पर अरबुजा माता का मंदिर है, वहाँ पर एक गुफा भी बताई जा रही है। तो हम सभी लोग, ये हमारे मित्र है, काफी संख्या में हमारे मित्र है, तो सभी मिलकर आज अरबुजा माता के मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए मित्रों, किस प्रकार से कोई उल्टे चढ़ रहे हैं, कोई सीधे चढ़ रहे हैं, काफी चढ़ाई है यार यहाँ पर। हमारे साथ महाराजा है। कौन से महाराजा है आपके साथ? ओ टोपी वाले है राज। अच्छा, महाराजा महाराजा का दर्जा दे रहे हैं यार। तो इतनी चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं अरबुजा माता के मंदिर। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पर अंदर गुफा उपा जो भी होगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। मित्रों ये देखो, यहाँ पर लगभग भीड़ दिखाई दे रही है हमको। देखो भाई, इतनी ऊपर है क्या माता जी। चलो 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 चलो, यहाँ से हमारी चढ़ाई होती है प्रारंभ। हमारे साथ है रामनिवास जी भाई साहब, जो पाली के हैं। भाई साहब, तो पूछते हैं कैसा रहा आपका ये सफर, माउंट आबू का सफर, बताइए। बहुत अच्छा रहा और चढ़ाई, यहाँ अभी मंदिर जा रहे हैं, कम से कम 350 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने में चढ़ाई भी बहुत है, 350 सीढ़ियाँ यार, अपनी सांस भी खोल रही है। तो चलिए भाई, देखते हैं 350 सीढ़ियाँ हम पार कर पाते हैं या नहीं। क्या ही खड़ी चढ़ाई है भाई, देखो इतने ऊपर तो हम आए हैं, इतने ऊपर और जाना है हमें। ये देखो मित्रों, और भी चढ़ाई है यार, थक चुके हैं काफी हमारे मित्र, मंदिर पे लगता है आ चुका है। सो फाइनली मित्रों, हम पहुंच चुके हैं अरबुजा माता के मंदिर। तो बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो, बोलिए पहाड़ वाली देवी की जय हो, श्री शंकर नाथ की जय हो। मोबाइल जमा कराना है भैया यहाँ पर। इतने ऊपर आए आपको अरबुजा माता का मंदिर दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे मोबाइल जमा हो रहे हैं और अब हमें बिना मोबाइल के ऊपर जाना है। तो देखते हैं भाई सफर कैसा रहेगा, हम आकर आपके साथ शेयर करेंगे बातों में। भाई साहब शुल्क है क्या कुछ ले जाने की मोबाइल ऊपर? मोबाइल नहीं ले जा सकते? अच्छा यार, फिर क्या। A few moments Finally, मित्रों हम मंदिर देखकर आ चुके हैं। देख सकते हो सारे मित्र एक जगह इकट्ठे हुए हैं। गाइस मंदिर बहुत ही खतरनाक था, मतलब गुफा सुरंगे अंदर, क्या बता क्या, कहाँ कहाँ गए हम। इधर से गए थे, मतलब नीचे छोटे छोटे झुककर जाना पड़ा था अंदर, और वापस इधर से आए हैं ऊपर और चढ़े थे। मतलब बहुत ही शानदार मंदिर है, और लिखा हुआ है कि माता जी की असली फोटो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, और ऐसा भी बताया गया हमें कि यहाँ पर माता जी के होंठ गिरे थे तब से ये मंदिर की स्थापना हुई है। और मतलब बहुत सारी चीजें प्राकृतिक है, जैसे गुफा अंदर जाने के रास्ते, यार मैं तो भाई देखते अभी हम जा रहे हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर, देख सकते हो वो पीछे धर्मशाला है कुछ ऐसी। लेकिन हम अभी मंदिर में जा रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि मंदिर के अंदर वीडियो भी नहीं बनाने दिया जा रहा है। तो प्रयास करेंगे कि वीडियो बने और आप लोग भी देखो कितना विशाल गाय दिख रहा है। अब भाई अंदर जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? मित्रों काफी जनसंख्या में दर्शनानी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। भाई साहब आप कौन से देश से हो? अच्छा यही देश तो भारत ही है। नेपाल से है भाई साहब, और भी हमारे कुछ साथी है। भाई साहब आप कौन से देश से हो? बिहार से। भाई साहब अफ्रीका से है। दूसरे भाई साहब, भाई अलग अलग देशों से आते हैं तो काफी भीड़ रहती है। अच्छा तो यहाँ पर मोबाइल जमा किए जा रहे हैं, मोबाइल के 50 रुपए ले रहे हैं जमा करने के, मतलब हमारा मोबाइल यहाँ पर रहेगा और उसके भी 50 रुपए लगेंगे। तो भाई किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, और मंदिर के अंदर जाने का रास्ता ये रहा। और पुलिस ऑफिसर देख सकते हो मोबाइल चेक कर रहे हैं, और ये मोबाइल चेक हो रहे हैं सबके। मोबाइल अंदर क्यों नहीं लिए जाने दे रहे? ऐसा क्यों? मोबाइल जैन मंदिर है उसमें तो ले जा सकते हैं यार। अच्छा मोबाइल तो देख सकते हो गाइस, मैडम ने साफ मना कर दिया कि मोबाइल ले जाना सक मना है। ये भाई साहब किताबें दे रहे हैं, क्या किताबें दे रहे हो भाई साहब? दिलवाड़ा जैन मंदिर कितने रुपए की है? 30 रुपए की किताब है। क्या क्या आ गई किताब में? मंदिर के फोटो। अच्छा दिखाओ फोटो, दिखाओ हमें, दिखा दो भाई साहब। अच्छा ये मंदिर के अंदर की कलाकृतियाँ हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियाँ अंदर बनी हुई है मित्रों,
यहीं से कर लो मंदिर के दर्शन। अंदर तो शायद नहीं जा पाएंगे हम, उस रास्ते से तो हम जाते हैं और इस रास्ते से वापस आते हैं। मित्रों देख सकते हो यही है वो रास्ता जहाँ से हम जाकर वापस आएंगे। और वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। पसंद आया तो लाइक करें,